हेलो एवरीवन, आज हमारा ये लेक्चर नंबर 11 है। आइसोलेटेड पॉइंट्स के बारे में और कुछ और डेफिनेशंस को जानेंगे। जैसे कि हम आपसे बता चुके हैं कि हमारी पूरी लेक्चर सीरीज है रीजन एनालिसिस की, और हम पूरा सीएसआईआर नेट जेआरएफ और आईआईटी जेएम एंड गेट का कोर्स कवर करेंगे। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल कर दें ताकि हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। ओके, सो आज हम आइसोलेटेड पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप सारे सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल वो क्लियर हो जाए और आप इजीली से सीएसआईआर नेट को क्रैक कर सकें। ओके, सो ये आईआईटी जेएम गेट के लिए भी है, सेम सिलेबस जो जो उनमें कवर होता है, कॉमन सिलेबस है, उसको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। सबसे पहले अब हम जानते हैं आइसोलेटेड पॉइंट क्या है। आइसोलेटेड पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होते हैं जिनके नेबरहुड में कोई दूसरा पॉइंट नहीं होता। ठीक है, जब भी हम नेबरहुड वर्ड यूज करते हैं तो जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, नेबरहुड का मतलब होता है जब भी उसकी नेबरहुड की बात करेंगे तो उसके अंदर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे या इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, नेबरहुड में तो कोई पॉइंट ए आइसोलेटेड पॉइंट कहलाएगा अगर इसकी नेबरहुड में इस पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट ही ना हो। ठीक है, तो वो पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट कहलाएगा। और अगर आप नेबरहुड और इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी पूरी लेक्चर सीरीज को आप देख सकते हैं। हम वन बाय वन सारे टॉपिक्स को बेसिक से लेके चल रहे हैं, बिल्कुल जैसा आपको कोचिंग सेंटर्स में भी नहीं मिल पाएगा, इतना हम बेसिक से लेके चल रहे हैं। बिल्कुल वन बाय वन हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे जितना भी सीएसआईआर में आने वाला है। ठीक है, सो अगर हम डेफिनेशन से जाएं तो मान लेते हैं कोई सेट एस है, जैसे कोई सेट है एस, सबसेट है आर का, और ए कोई पॉइंट है हमारे पास एस में जो बिलोंग करता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वी से ए इज एन आइसोलेटेड पॉइंट, ये कोई आइसोलेटेड पॉइंट होगा, आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ द सेट एस, इस सेट एस के लिए, इफ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड, If there exists a neighborhood of A, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, which does not contains any element of S other than A, ठीक है, अगर उसकी नेबरहुड में ए के अलावा कोई और पॉइंट ना आए तो हम कहेंगे ये आइसोलेटेड पॉइंट होता है। और मैथमेटिकली क्या समझ सकते हैं, मैथमेटिकली हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कोई एक पॉइंट ए बिलोंग कर रहा है एस से, एंड जैसे हम नेबरहुड की डेफिनेशन देते हैं ना, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन जैसे देते हैं, उसके अपोजिट इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। बिल्कुल, अगर ए कोई पॉइंट है इसका, देन देयर एग्जिस्ट, ये आप कह सकते हैं कि एंड इफ देयर एग्जिस्ट, अगर ऐसा पॉसिबल है, इसलिए हम लिख लेते हैं इफ There exists delta positive such that a minus delta and a plus delta, मतलब a की neighborhood का intersection अगर हम किसके साथ मिले, s में से उस point को निकाल दें जो point a था जिसकी neighborhood थी, अगर हम intersection ले तो ये phi आएगा, isolated है तो phi आएगा और limit point है तो not equal to phi आ जाएगा, मतलब उसके अंदर point आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल सेम उसी तरह से हम इसे यहाँ पर बोलते हैं, तो intersection करेंगे तो फाई आ जाएगा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन s इक्वल टू a, इसका मतलब क्या हो गया कि नेबरहुड में उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है a, उसके अलावा कोई और पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, सो अ मेंबर व्हिच इज नॉट अ लिमिट पॉइंट इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट, जो लिमिट पॉइंट नहीं होगा वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा। इसीलिए जो फाइनाइट सेट होते हैं उनके पास, जो फाइनाइट सेट होते हैं ना, उनके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट जो होते हैं आइसोलेटेड ही होते हैं। फाइनाइट सेट की बात अगर हम कर लें तो जैसे कि हम मान लेते हैं, सपोज फाइनाइट सेट ले लो भाई, कोई भी 1 2 3 4 5, ये कोई ले लिया हमने सेट। ठीक है, तो ये सेट जो होगा हमारा, इसके सारे पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट्स है, टू है आइसोलेटेड पॉइंट्स, क्योंकि इसके सारे पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट उठा के देख लो, 1 2 3 4 5 कोई सा भी पॉइंट ले लो, तो इसकी नेबरहुड में वो अकेला ही आएगा, उसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट नहीं आएगा। ये रीजन है कि हम इस सेट को, जो भी हमारा फाइनाइट सेट है, इसको हम कहते हैं कि ये आइसोलेटेड है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इनफाइनाइट सेट की बात करें तो
तो उसमें सीन थोड़ा सा इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट को हम मे और मे नॉट की कंडीशन लिख सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट सेट हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। तो अगर ये तो फाइनाइट सेट की बात हो गई भाई, ये तो हो गई फाइनाइट सेट की बात। लेकिन अगर इनफाइनाइट सेट की बात करें, इनफाइनाइट सेट है हमारे पास अगर, सो इस केस में क्या हो जाना चाहिए, इनफाइनाइट सेट के केस में हम लिख सकते हैं मे बी आइसोलेटेड। जो आइसोलेटेड मतलब कि जो भी इनफाइनाइट सेट होते हैं तो उनके जो मेंबर्स होते हैं, every member of infinite set may be isolated or not। example समझने के लिए, set of natural number भाई infinite set होता है, सारे point isolated point है, कोई भी point उठा ले उसकी neighborhood में, कुछ two को ले ले, two को neighborhood में two अकेला है, three अकेला है, सारे number अकेले अकेले है, isolated है, single single है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इनफाइनाइट सेट है लेकिन आइसोलेटेड है। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम एक सेट एस ऐसा ले लेते हैं, वन अपॉन एन, वेयर एन बिलोंग्स टू एन, ये भी इनफाइनाइट सेट है बट नॉट आइसोलेटेड, इसमें तो जीरो इसका लिमिट पॉइंट है भाई। ठीक है, तो ये हो गया नॉन आइसोलेटेड, जबकि तो इनफाइनाइट के केस में आइसोलेटेड भी हो सकता है, नॉन आइसोलेटेड भी हो सकता है, लेकिन अगर फाइनाइट सेट है तो वो आइसोलेटेड ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा एक बार बताओ, इसके अंदर से अगर हम इसका लिमिट पॉइंट क्या है, सेट S का लिमिट पॉइंट, इसका लिमिट पॉइंट कितना है, S का जीरो है। ठीक है, तो इसका जो लिमिट पॉइंट है इसके अंदर से निकाल दें, या इसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ही इसके अंदर से निकाल दें, मतलब क्या होगा, जब ये जीरो के नेबरहुड में पहुंचेगा ना, n बराबर हम बड़ा करते चल जाएंगे, इनके नंबर को इंक्रीज करेंगे, तो ये सेट जीरो के नेबरहुड में चलता चला जाएगा। यहाँ कहीं जीरो मान लो, यहाँ पर पॉइंट्स जो है वो डेंस इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इससे पहले ही थोड़ा दूर दूर चलते रहेंगे, जैसे यहाँ वन वन बाई टू वन बाई थ्री, ऐसे होते होते जीरो के नेबरहुड में बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको हटा दें यहाँ से, ये ड्राइव सेट को ही हटा दें इसके, तो ये बचेगा सिर्फ आइसोलेटेड पॉइंट बचेंगे। तो एक नोट यहाँ से आप लिख सकते हैं इस तरीके से कि अगर एफ, अगर एस जो है, इफ एस बी एनी सेट एंड एस डैश इज अ ड्राइव सेट, इट्स ड्राइव्ड सेट, ड्राइव सेट होता है सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जाकर, इससे पहले बार उसमें इसको डिस्कस किया गया ड्राइव सेट क्या होता है सही से। सो अगर ये क्या है, इसका ड्राइव्ड सेट है, ड्राइव्ड सेट है, देन अगर हम सेट के अंदर से उसके ड्राइव सेट को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, गिव्स गिविन जो बचा हुआ सेट है वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड isolated point of S। ठीक है, तो अगर हम उसमें से उसका सारा drive set को निकाल दें तो जो बचेगा वो isolated ही बचेगा, जो set जो मतलब numbers बचेंगे वो isolated set ही बचेगा सिर्फ। इसी तरह से कोई और अगर example से आप लेना समझना चाहते हैं, जैसे Q है, Q का drive set क्या होता है, ये question वाला Q है और ये rational number वाला Q है। ठीक है, इसका drive set क्या होता है, Q dash मतलब R, तो अगर Q में से इसको निकाल दें तो कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ phi बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, Q जो है has no isolated point, इसका मतलब इसके पास कोई भी isolated point नहीं है, सारे point इसके limit point ही है, isolated point है ही नहीं Q के पास। यहाँ से क्या implies हो रहा है, यहाँ से implies हो रहा है कि Q has no isolated point। ओके, होप सो ये आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताते रहें, और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करते रहें। ओके, अब एक बात बताओ, अगर सेट के पास कोई आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, देन सेट हैज या तो इनफाइनाइट होगा या एम्प्टी सेट होगा, दो ही केस हो सकते हैं, यहाँ से हमें पता लग गया। तो एक नोट भी लिख सकते हैं, इन सबके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं घुमा फिरा के, मतलब इन्हीं के ऊपर पूछते हैं कि अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं हो पाएगा, एक क्वेश्चन देख के सॉल्व कर लें आप वीडियो में और बस हो गया, उसके पीछे जो सिलेबस में क्या क्या गिवन है और किस तरह से उसकी बारीकियां आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा यहाँ पर, जो भी कुछ आपको कोचिंग सेंटर्स में जाके मिल सकता है वो यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ठीक है, सो इफ ऐसे लिख सकते हैं, इफ सेट हैज नो आइसोलेटेड पॉइंट,
इफ सेट हैज नो आइसोलेटेड पॉइंट देन सेट इज इनफाइनाइट और एम्प्टी। ठीक है भाई, दो ही काम हो सकते हैं, या तो सेट इनफाइनाइट हो या सेट वो एम्प्टी सेट हो जाए अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो सामने। ठीक है, तो ये कुछ आइसोलेटेड पॉइंट से जुड़ी हुई चीजें थी जो आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं इंटीरियर पॉइंट के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम फिर ओपन सेट और क्लोज सेट को भी देखेंगे। सो इंटीरियर पॉइंट क्या होता है फ्रेंड्स, कि जैसे कोई सेट हमारे पास एस, या हम कह सकते सबसेट है वो आर का, कोई पॉइंट जो होगा, कोई पॉइंट ए मान लेते हैं कि आर का कोई पॉइंट है, तो हम कहेंगे कि ए जो है वो इंटीरियर है एस का अगर एक नेबरहुड जो है वो एक पॉइंट है जिसकी वो नेबरहुड है वो कंटेन करे पूरी एस के अंदर। ठीक है, तो वो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। और एस जो होगा, मतलब मेरा कहने का ये है कि जैसे एस कोई एक सबसेट ले लिया आपने आर का, ठीक है, और ए कोई पॉइंट है जो बिलोंग करता है आपका आर से, ठीक है, रियल नंबर है, तो हम इसकी पॉइंट ए की एक नेबरहुड लेते हैं ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा। डेल्टा क्या है, कोई वेरी वेरी स्मॉल नंबर है ए प्लस डेल्टा। ठीक है, तो ये जो है अगर कंटेन कर जाए एस के अंदर, ठीक है, तो हम कहेंगे कि पॉइंट ए जो है, देख रहे हैं अब ये इसका रियल नंबर का है, तो नेबरहुड की बात करें, नेबरहुड के अंदर आपको पता होना चाहिए कि अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स आते हैं, या आप कह सकते हैं इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, तो नेबरहुड कंटेन कर रही है, इसलिए जो वो पॉइंट होगा जिसकी नेबरहुड है, जिसकी नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स आ गए, वो पॉइंट कहलाएगा इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, और ये वाला जो सेट एस होगा ना, ये उस इंटीरियर पॉइंट ए की नेबरहुड कहलाएगा, ये तो कहलाएगा नेबरहुड और पॉइंट कहलाएगा इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, तो एक प्रॉपर वे में अगर इसको हम लिखने की कोशिश करें तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, इंटीरियर पॉइंट को हम इसे लिख सकते हैं इंटीरियर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट। तो मैथमेटिकल लिखेंगे कि मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं एस इज अ सबसेट ऑफ आर, एंड लिखना भी जरूरी है ना आपको, ताकि नोट्स बना के आप इसको आगे भी बाद में नोट से पढ़ सके अपने। और मान लेते हैं ए कोई रियल नंबर है, वी से डेट, वी से ए इज, वी से ए इज एन इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस इफ, ए इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा इफ देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच डेट, such that a minus delta and a plus delta lies inside s, that is s is neighborhood of a, okay। तो हम कहेंगे कि a क्या है, वो हमारा इंटीरियर पॉइंट है। ठीक है, तो अगर a कोई इंटीरियर पॉइंट है कि सेट s का, देन a जो वो उस पॉइंट में, जरूरी नहीं कि उसके अंदर बिलोंग करे, ठीक है, इंटीरियर है, देखो बात यह है कि आप कह रहे हो कि इसके अंदर कंटेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आप जैसे कि ए कोई पॉइंट है, ये जरूरी नहीं कि वो उसके अंदर बिलोंग करे, ठीक है, मतलब आप ये आप ऐसे कह सकते हैं इसे कि अगर ए कोई इंटीरियर पॉइंट है इसका, देन ए उसमें बिलोंग करता है, ठीक है, लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। ठीक है, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, मतलब क्या हो गया कि अगर बिलोंग नहीं, मतलब बिलोंग करता है उसमें तो बात ठीक है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं, मतलब कि उसमें बिलोंग नहीं करता, तो इसका वो उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। ठीक है ना बात, तो आप इसको बात को नोट में लिख सकते हैं। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो बाद में कंफ्यूजन पैदा करते हैं। ये रियल एनालिसिस एक ऐसा है जो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आना चाहिए साफ सुथरी तरीके से कि भाई हो क्या रहा है। अगर मान लेते हैं इफ ए इज एन इंटीरियर पॉइंट, ठीक है, ये कोई आपका अगर इंटीरियर पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट है, इंटीरियर से समझ में आ रहा है, इंटीरियर मतलब अंदर वाला कोई पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट है किसी सेट एस का ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, देन ये इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है, ए जो है वो बिलोंग करेगा एस में, बट नॉट कन्वर्सली, मतलब कि अगर बिलोंग करता है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो इंटीरियर हो ही होगा, हो सके इंटीरियर ना भी हो, इंटीरियर है तो बिलोंग करेगा, लेकिन बिलोंग करेगा तो जरूरी नहीं इंटीरियर हो। क्या भाई ये क्या बात हो गई, जरूरी नहीं इंटीरियर हो, चलो देखते हैं इसे भी, ये एक ऐसी बात हो गई ना।
ले लें आपको एक सा एग्जांपल समझने के लिए, मैं यहाँ पे कॉर्नर में मान लिया हम एक सेट ले लेते हैं क्लोज इंटरवल 0 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो 0 ये एस सेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो भाई 0 तो बिलोंग कर रहा है ना इसमें, ठीक है। तो 0 बिलोंग कर रहा है, क्या 0 इंटीरियर पॉइंट है इसका? देखते हैं इंटीरियर पॉइंट है नहीं। अगर 0 इंटीरियर पॉइंट हो गया तो 0 की एक नेबरहुड ले लेंगे हम, 0 की नेबरहुड इसके अंदर आनी चाहिए, कंटेंट करनी चाहिए फुल्ली कंटेंट, यहाँ पर देख रहे हो फुल्ली कंटेंट करा रहे हैं, फुल्ली कंटेंट। तो 0 अगर लिया तो 0 की नेबरहुड जैसे लेते हैं, यहाँ पर 0 बिल्कुल कहाँ पे है, 0 जो है बिल्कुल कौन मतलब लास्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट 0 है, ये 1 है। 0 की नेबरहुड लेंगे तो कुछ थोड़े से पॉइंट तो बाहर आ जाएंगे ना नेबरहुड से, ये वाले इधर वाले पॉइंट देख रहे हैं आप, ये 0 से बाहर निकल जाएंगे, बाहर वाले पॉइंट तो नेबरहुड के अंदर आ जाएंगे, और नेबरहुड में तो जबकि आने नहीं चाहिए, एस जो है वो सेट एस जो है उसके अंदर पूरी पूरी नेबरहुड कंटेन करनी चाहिए। इसी तरह से अगर 1 को लेंगे, ये लास्ट वाला पॉइंट, ये भी इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। तो जो ये इंटीरियर पॉइंट नहीं है इनको कहते हैं बेसिकली बाउंड्री पॉइंट, ठीक है। तो इंटीरियर पॉइंट जो होते हैं वो सेट के अंदर बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है जरूरी वो इंटीरियर पॉइंट बन जाए, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं बिल्कुल साफ सुथरी सी बात में कि नेबरहुड लेते के साथ ही 0 की कुछ पॉइंट इधर साइड का आ गया, ऐसे जब 1 की नेबरहुड लेंगे तो कुछ पॉइंट बाहर के आ जाएंगे इसके नेबरहुड के अंदर। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एंड पॉइंट्स है हमारे पास ये इंटीरियर पॉइंट नहीं है, बल्कि ये क्या है, बाउंड्री पॉइंट है, ठीक है। सो आप इसको लिख भी सकते हैं, इसको नोटेशनल नोटेशन से इसको समझने के लिए आप लिख भी सकते हैं कि जैसे एक नोट बना के लिख लें, कैसे लिखेंगे नोट बना के आप लिख लें कि अगर जैसे मान लिया हम कहते हैं कि इफ ए इज एन इंटीरियर पॉइंट, ए इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, देन देन एस इज नेबरहुड, एस क्या होगी, नेबरहुड ऑफ एस इज ए नेबरहुड ऑफ ए, एंड कन्वर्सली ठीक है। और इसको हम नोट करते हैं, आई एन टी से नोट करते हैं कि एक पॉइंट ऑफ लिख सकते हैं बच्चे अपने आराम से कि सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट सपोज एस इज डिनोटेड बाई, इज डिनोटेड, हालांकि लिखने में वीडियो बहुत लंबी हो जाती है लेकिन मैं फिर भी लिखवा रहा हूँ ताकि आप इसके नोट्स भी बना सकें इन फ्यूचर। किसे नोट करते हैं, एस के ऊपर एक इस तरह से बना देते हैं 0 टाइप की, इसको हम कहते हैं कि एस इंटीरियर, और आई एन टी ऑफ एस भी लिख सकते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम एग्जांपल, अगर हम एस आर के इंटीरियर की बात करें तो आर का इंटीरियर तो पूरा आर ही हो जाएगा भाई, पूरा पूरा इंटीरियर होता है उसका वही। अगर हम एन की बात करें, इनफाइनाइट सेट है काउंटेबल इनफाइनाइट, तो इसका इंटीरियर कुछ होगा ही नहीं, फाई हो जाएगा, क्योंकि सारे पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट है, नेबरहुड ही नहीं मिलेगी किसी पॉइंट की, तो हो गया फाई। इसी तरह से अगर हम जेड की बात करें, जेड का इंटीरियर भी फाई हो जाएगा भाई, ठीक है। और अगर हम कोई ओपन इंटरवल लेते हैं सपोज ए बी, ये इंटरवल है, इसका अगर हम इंटीरियर लेते हैं तो पूरा का पूरा यही सेट आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम किसी क्लोज इंटरवल का इंटीरियर लेते हैं तो ये ओपन ए भी आएगा, ना कि क्लोज ए भी, क्योंकि एंड पॉइंट इसके अंदर नहीं आ सकते, इंटीरियर में एंड पॉइंट नहीं आ सकते, ठीक है। अगर इंटीरियर में एंड पॉइंट्स आ गए तो नहीं आ सकते, क्योंकि उसके लास्ट जो एंड पॉइंट्स हैं वो बाउंड्री पॉइंट है, उनकी नेबरहुड जो है सेट से बाहर निकल जाती है, ठीक है। और जो इंटीरियर होता है वो ऑलवेज सबसेट बनता है अपने सेट का, ठीक है। इसको भी एक नोट में लिखना चाहे लिख ले, इंटीरियर ऑफ सेट एस, और यू कैन राइट एस 0 इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एस, ओके। सो बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं सारी चीजें, बच्चे इसे करते रहें सही से तो आपका सबका आराम से बहुत नेट जा रहा, और जो गेट की तैयारी कर रहे हैं और जो जैम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके सब के लिए ये कॉन्सेप्ट है, इवन एमएससी वालों के लिए भी है अगर कोई एमएससी में है तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओपन सेट के बारे में, ये सब जुड़े हुए कॉन्सेप्ट है असल में एक दूसरे से, इसलिए एक साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। ओपन सेट क्या है, कोई सेट एस है आर का सबसेट मान लें तो वो ओपन होगा, ओपन सेट कहलाएगा इफ इट इज अ मेंबर ऑफ द इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। इफ
उसके जो मेंबर्स हैं वो इंटीरियर बन जाए, ठीक है, तो ओपन हो जाएगा वो। जैसे अभी हमने पीछे देखा ना कि इंटीरियर कर रहे थे तो क्लोज का वो भी ओपन हो रहा था, तो उसके सारे मेंबर जो है सेट के अगर इंटीरियर पॉइंट बनते हैं तो हम कहेंगे कि वो सेट ओपन सेट है। एक डेफिनेशन ये है, और भी हम इसको कई तरह समझने की कोशिश करेंगे ओपन क्या होता है। तो लेट कर लेते हैं कि S इज अ सबसेट ऑफ R, देन वी से S इज ओपन, S इज ओपन इफ इट्स मेंबर, इफ इट्स ऐसे लिख लेते हैं, इफ इट्स मेंबर्स इज इंटीरियर पॉइंट, इफ इट्स मेंबर इज इंटीरियर पॉइंट्स, दैट इज हम ऐसे कह सकते हैं कि इट इज अ नेबरहुड, जो ओपन सेट होंगे वो क्या होंगे, इट इज एन नेबरहुड ऑफ नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट, ऑल ऑफ इट्स पॉइंट, उसके जितने पॉइंट्स हैं वो सब उसकी नेबरहुड हो जाएंगे, ठीक है। तो ओपन सेट जो होगा उसके सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होंगे, मतलब कहने का क्या हो गया कि नेबरहुड होंगे ऑफ ऑल इट्स मेंबर, जितने मेंबर हैं उसके वो नेबरहुड हो जाएंगे। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर इंटीरियर जो है वो खुद एस के ही बराबर हो जाए तो वो सेट ओपन सेट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप आर ले सकते हैं, आर ओपन है, फाई ओपन है, एज इन दोनों के पास देखो एक बात बड़ी ध्यान रखने की है कि आर ओपन भी होता है क्लोज भी होता है, ठीक है, फाई ओपन भी होता है क्लोज भी होता है, ठीक है। ये बड़े एग्जाम्पल हैं जो हमें डिस्कार्ड करने के लिए बड़े हेल्प करते हैं जब हम एग्जाम में जाते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल के लिए जैसे आर है, आर इज ओपन, ठीक है, फाई भी ओपन होता है, फाई इज ओपन, एज there is no point in phi of which, ऐसे लिख लें करके, of which it is not a neighborhood, it is not a neighborhood point, ठीक है। तो R भी ओपन है, phi भी ओपन है, as there is no point in phi, phi में कोई of which it is not a neighborhood point, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, तो phi भी ओपन होता है और R भी ओपन होता है, जरूर याद रखें ये दोनों क्लोज भी होते हैं साथ साथ, ठीक है, सॉरी। इसी तरह से हम कुछ एग्जांपल और भी देख सकते हैं बच्चे, जैसे कि हम कहेंगे क्लोज इंटरवल ए बी, ये हो गया, ठीक है, और हम इसको कह सकते हैं सेमी ओपन, उसे क्लोज कह दिया जाए सेमी ओपन, ये भी सेमी ओपन हो जाएगा, एक साइड से ओपन करेंगे, ये सारे के सारे क्या है, नॉट ओपन, ये ओपन नहीं है, ध्यान रखने की बात है, इनको ओपन सेट मत कर देना, ये सेमी ओपन है, ठीक है। क्योंकि बात ये हो रही है कि इसमें जो एक पॉइंट है, ठीक है, देखो जैसे मान लिया ए पॉइंट है, इसकी नेबरहुड नहीं बन पाएगी, यहाँ पर बी की नहीं बन पाएगी, फिर यहाँ पर ए की नहीं बन पाएगी, ये दोनों साइड से क्लोज था तो ये ओपन नहीं है, ठीक है। आर आर नॉट ओपन सेट, लिख लो नॉट ओपन सेट बिकॉज बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑल ऑफ दीज इज नेबरहुड, ऑल ऑफ दीज इज नेबरहुड ऑफ एट लीस्ट वन पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज द रीजन कि ये ओपन नहीं है, क्योंकि ऑल ऑफ इट दीज इज अ नेबरहुड ऑफ एट लीस्ट वन पॉइंट, ठीक है। इसी तरह से हम बात कर सकते हैं और अगर करें तो n सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर आर नॉट ओपन, ये कोई भी ओपन नहीं है, ठीक है। ओपन बनने के लिए जो कंडीशन वो मैंने आपको बता दी है कि उसके सारे मेंबर, ठीक है, दैट इज द नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स मेंबर, उसके वो सभी अपने मेंबर्स की नेबरहुड बननी चाहिए, ठीक है, तो वो ओपन होगा। ये था थोड़ा सा ओपन सेट के बारे में, फिर भी कोई डाउट अगर किसी को हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, लिखें, हम उसको क्लियर करेंगे जरूर आपके डाउट्स को, ठीक है।
ये बड़े बड़े छोटे छोटे एग्जाम्पल हमने लिए हैं, लेकिन ये एग्जाम में बड़े आपके लिए हेल्पफुल होंगे जब आप डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं क्लोज सेट के बारे में। क्लोज सेट, क्लोज सेट, क्लोज सेट क्या है कि जैसे एस कोई सबसेट है आर का, तो हम कहेंगे वो क्लोज है, क्लोज है आर के अंदर अगर आर में से एस को निकाल दें, ठीक है, तो वो ओपन हो जाए। मतलब कि कहने का ये है कि जैसे लेट लेट कर लेते हैं कि एस इज अ सबसेट ऑफ आर, देन एस सबसेट है आर का, ध्यान रखना, एस इज सेट टू बी, एस इज सेट टू बी क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज कहलाएगा काहे में, क्लोज्ड इन आर में। ये एस जो है इसका सबसेट आर के अंदर ही क्लोज होगा अगर इफ हम आर में से इसको एस को निकाल दें ये ओपन हो जाए, ठीक है। थोड़ी टफ डेफिनेशन लगी होगी देखने से क्या है, सिंपल सी बात है कि एफ इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। अगर सेट के अंदर उसके सारे लिमिट पॉइंट आ जाए तो वो सेट क्लोज सेट हो जाएगा, सिंपल सी बात, इतने से याद रखो। तो यहां नोट में लिख लो कि एस इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, ठीक है भाई। सभी या वैसे सकते हैं ड्राइव सेट जो होता है सेट ऑफ लिमिट पॉइंट कंटेन करे एस में, और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एस क्लोजर, क्लोजर ऑफ एस जो है वो एस के ही बराबर आता है। दोनों ही कंडीशन में आप कहेंगे कि वो क्लोज सेट है। मतलब कुल मिला के ये हो गई बात कि सारे लिमिट पॉइंट अगर सेट के अंदर आ जाएंगे तो सेट क्लोज हो जाएगा, और अगर सारे लिमिट पॉइंट नहीं आएंगे तो सेट क्लोज नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल ले इसका, एग्जाम्पल समझ सकते हैं आर, आर का ड्राइव सेट आर ही होता है तो क्लोज हो गया आर भी, ठीक है। यहां से क्या इम्प्लाइज हो गया कि आर इज क्लोज्ड, ओके। इसी तरह से अगर हम क्यू की बात करें, क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर का ड्राइव सेट कितना होता है, आर होता है, ठीक है। लेकिन क्या ड्राइव सेट तो इसका आर होता है, लेकिन क्या जो हमारा आर है वो क्यू के अंदर आता है? देखो मैंने बताया यहां पर कि ड्राइव सेट उसका आर हो गया, ड्राइव सेट जो है कंटेन करना चाहिए सेट के अंदर, तो यहाँ पर ड्राइव सेट क्या हो गया, ड्राइव सेट हो गया यहाँ पर आर, तो आर किसके अंदर कंटेन करता है, नहीं करता कंटेन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यू इज नॉट क्लोज्ड, क्यू इज नॉट क्लोज सेट, ठीक है। इसी तरह से कोई और एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, जैसे 0 से 1 तक ये क्लोज सेट होता है, ठीक है, इसका यूनियन ले 2 से 3 तक, ठीक है, तो ये क्या ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, ये भी आपका क्लोज्ड हो जाएगा, तो यूनियन भी है तो ये क्लोज है, ये भी क्लोज्ड है, तो इनका यूनियन भी क्लोज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्लोज सेट को देखते हैं, क्लोज सेट क्या होता है, सिंपल सी बात यही है बस, और कुछ नहीं क्लोज की, क्लोज सेट की। अब कुछ रिजल्ट्स भी हैं इससे रिलेटेड, इन पे हम बात कर सकते हैं, फिर हम इस लेक्चर को फिनिश कर देंगे यहीं पर ही, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इस जो अब तक हमने डिस्कस किया 11 लेक्चर्स उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम सीक्वेंस एंड सीरीज पाएंगे, तो हमारा ये पूरा बेसिक क्लियर होने के बाद फिर हम सीक्वेंस एंड सीरीज की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि एवरी फाइनाइट सेट एवरी इज ऑलवेज क्लोज्ड, जो फाइनाइट होते हैं जैसे हमने बताया था कि वो ओपन नहीं होते, तो हम कह रहे हैं कि एवरी फाइनाइट सेट जिसके अंदर आइसोलेटेड पॉइंट्स होते हैं वो क्लोज होते हैं। सो एवरी, अब आपको लग रहा होगा ये कैसे, अभी बताते हैं फिर कैसे, एवरी फाइनाइट सेट इज, एवरी फाइनाइट सेट इज ऑलवेज क्लोज्ड, ठीक है। जैसे कि ए कोई सेट है, फाइनाइट सेट है, उसका ड्राइव सेट कितना हो जाएगा, फाइव, तो फाइव तो हर उसके अंदर आता ही आता है भाई, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का ड्राइव सेट कितना होता है, फाइव आता है, और फाइव हर एक सेट का
सेट होता है, उसका मेंबर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, तो ड्राइव सेट अगर कंटेन कर रहा है, ड्राइव सेट अगर कंटेन करता है तो क्लोज आता है। डेफिनेशन ये कहती है ना कि जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स अगर वो सेट के अंदर आ जाए तो सेट क्लोज हो जाता है। तो अगर ए कोई फाइनाइट सेट है तो उसका ड्राइव सेट तो फाई आएगा, क्योंकि उसका कोई लिमिट पॉइंट है ही नहीं, लिमिट सारे आइसोलेटेड पॉइंट्स है, आइसोलेटेड पॉइंट है, तो ड्राइव सेट हो गया फाई। और फाई तो हर एक सेट का सबसेट होता है भाई, ठीक है। तो इसका मतलब ड्राइव सेट जो कंटेन कर गया ना सेट के अंदर, इसका मतलब क्या हो गया कि फाइनाइट सेट जो था वो क्लोज हो गया। इस तरह से मैं एन की बात कर रहा हूँ, एन एन के अंदर कैसे पॉइंट होते हैं, सारे एन में होते हैं 1 2 3 टाइप के, ठीक है। आइसोलेटेड है सारे, सारे आइसोलेटेड है, तो कोई भी किसी पॉइंट की नेबरहुड नहीं है, ठीक है। तो इसका ड्राइव सेट क्या आ जाएगा, ड्राइव सेट कुछ नहीं आएगा, इसका फाई आ जाएगा। तो फाई तो जैसे हम स्टार्टिंग में सेट की डेफिनेशन कर चुके हैं कि फाई इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट, ये सबका सबसेट होता है। तो फाई जो इसका ड्राइव सेट आएगा ये कंटेन होगा एन के अंदर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एन जो हो गया वो हमारा क्लोज सेट हो गया। इसी तरह से जेड की बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम किसी दूसरे रिजल्ट की बात कर लेते हैं। अ सेट एस हैज नो लिमिट पॉइंट, ठीक है। अगर किसी सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है और वो कोइंसाइड करता है विद इट्स क्लोजर, उसके क्लोजर के साथ में, डेट इज अगर हम ही कह सकते हैं कि एडेस जो है फाई के बराबर है और उसके क्लोजर साथ कोइंसाइड करता है, मतलब क्लोजर के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे उसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ बात आपसे कि ए सेट एस हैज नो लिमिट पॉइंट, अगर किसी सेट के पास लिमिट पॉइंट नहीं है, नो लिमिट पॉइंट नहीं है, कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब वो उसके ऊपर, उसके बराबर है या उसके ऊपर रखा हुआ है, ऐसे कह सकते हैं, कोइंसाइड विद इट्स क्लोजर, विद इट्स क्लोजर, डेट इज ड्राइव सेट ऑफ ए इज फाई एंड क्लोजर ऑफ ए बराबर हो जाए ए के, ठीक है। इसी तरह तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कि जैसे कोई सेट ऐसा भी हो सकता है कि नाइदर वो, ना तो वो क्लोज हो ना वो ओपन हो, ऐसा जरूरी थोड़ी कि सेट क्लोज या ओपन होना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि असेट में बी नीदर ओपन नोर क्लोज्ड। ये भी हो सकता है कि सेट ना क्लोज्ड हो ना ओपन हो, जैसे कि फाई ले लेते हैं, तो सॉरी क्यू ले लेते हैं, या हम 0 2 1 ओपन, एक साइड से ओपन कर देते हैं, एक साइड से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से या 1/n ले लेते हैं, n को वेरी करा देते हैं n से, ठीक है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम जो जरूर हमें नोट करना चाहिए वो ये है कि सेट ऑफ रियल नंबर एंड फाई जो है आर ओनली, ऐसे दो सेट हैं जो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, ओके। सो आर एंड फाई, आर एंड फाई आर ओनली टू सेट विच आर ओपन एंड क्लोज, विच आर ओपन एंड क्लोज्ड बोथ। ये कैसे सेट हैं जो ओपन भी होते हैं क्लोज भी होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एग्जाम्पल रहेंगे डिस्कार्ड करने के लिए जब हम एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक और कंडीशन लगा सकते हैं कि अनकाउंटेबिलिटी ऑफ एन इनफाइनाइट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर एन ओपन सेट नॉट सफिशियंट। अनकाउंटेबिलिटी होना इनफाइनाइट सेट के लिए नेसेसरी है, ठीक है। अनकाउंटेबिलिटी फॉर इनफाइनाइट सेट नेसेसरी कंडीशन फॉर ओपन सेट, ओपन सेट होने के लिए इनफाइनाइट होना एक नेसेसरी कंडीशन है बट नॉट सफिशियंट। मतलब ओपन सेट है तो अनकाउंटेबल सेट को इम्प्लाई करेगा, लेकिन अनकाउंटेबल सेट है तो जरूरी नहीं कि वो ओपन सेट हो। जैसे कि हम देख चुके हैं आर क्या है, आर आर से डिस्कार्ड कर देंगे, आर अनकाउंटेबल सेट है, लेकिन हम कहेंगे कि वो अगर हम वापस ओपन कहते हैं तो हम यहाँ पे क्लोज कहेंगे फिर, ठीक है। या हम इरेशनल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इरेशनल नंबर अनकाउंटेबल होते हैं लेकिन ओपन नहीं होते, ठीक है, ओपन नहीं होते। तो ये हम लिख सकते हैं कि अनकाउंटेबिलिटी, अनकाउंटेबिलिटी फॉर एन इनफाइनाइट सेट, फॉर एन इनफाइनाइट इज नेसेसरी
नेसेसरी कंडीशन, ये एक नेसेसरी कंडीशन है फॉर, नेसेसरी कंडीशन फॉर ओपन सेट, नॉट सफिशियंट, मतलब नॉट सफिशियंट बोथ साइड कंडीशन, ये ट्रू नहीं होती है, वन साइड ट्रू होती है, ठीक है, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाई वाली कंडीशन नहीं होती। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ओपन सेट है तो ये इम्प्लाई करेगा कि अनकाउंटेबल है, ठीक है, अनकाउंटेबल सेट को इम्प्लाई करेगा। लेकिन अगर अनकाउंटेबल सेट है हमारे पास तो हम ये नहीं कह सकते कि वो ओपन हो गई होगा, ये बात बड़ी ध्यान रखने की है, अनकाउंटेबिलिटी इज नॉट, डज नॉट इम्प्लाइज ओपन को। एग्जाम्पल है हमारे पास इसका, इसके लिए सेट ऑफ इरेशनल नंबर अनकाउंटेबल है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर अनकाउंटेबल है, लेकिन क्या नहीं है, ओपन नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है। इसी तरह से हम एक और प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, एक और रिजल्ट देखते हैं, अगर हम उसमें से फाइनाइट नंबर को रिमूव कर देते हैं, सो इफ वी रिमूव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ओपन सेट, ओपन सेट में से फाइनाइट नंबर को रिमूव कर देते हैं, इट देन इट रिमेन ओपन बट नॉट क्लोज्ड, ठीक है। अगर हम किसी फाइनाइट सेट के अंदर से कुछ रिमूव, किसी कोई सेट है हमारे, अगर उसके अंदर फाइनाइट नंबर को रिमूव कर देंगे तो ओपन का ओपन ही बना रहेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इफ वी रिमूव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ओपन सेट, इट रिमेन ओपन बट नॉट क्लोज्ड। ये बड़ी ध्यान रखने की बात है कि वो क्लोज नहीं होगा, ओपन, ओपन का ओपन ही बना रहेगा अगर ऐसा भी करते हैं तो, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो पॉइंट सेट टोपोलॉजी से रिलेटेड हैं, जिनका जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद बोलजानो वेस्टास थ्योरम है, उसको भी देखेंगे, फिर डेंस थ्योरम है, उसको भी देखेंगे। सो हम वन बाय वन इसको सबको कवर करेंगे, लेकिन ये लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसको यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा जो भी आज हमने डिस्कस किया है। फिर भी कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो प्लीज कमेंट सेक्शन जरूर बताएं, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में भी इसको शेयर करते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने जैसे बताया कि हम पूरा सिलेबस यहाँ डिस्कस करेंगे, ओके, सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ओके, थैंक यू अगेन।